الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. तो आज हम इसी लेसन नंबर 15 के आखिरी कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. इसमें सबसे बड़ा पॉइंट जो आप सीखने जा रहे हैं वो है काम. जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, मैं इसको हाईलाइट करूंगा. यहाँ आप देख रहे हैं काम मर्रतिन उल्टलीहा गजा. ये लेसन में जब आप लेसन पढ़ रहे थे तो वहां ये सेंटेंस आ गया. जब उसने बार बार उस बच्चे ने उजुर पेश किया तो उसने कहा कि सर देर हो गई. तो उस्ताद ने कहा कम मर्रतिन कुल तलिहादा हकजा, आपने ऐसा कितनी बार मुझे कहा, कितनी बार कहा है. यहाँ इस काम को जरा पहले देखें कि यह काम है, कौन सी काम है. ये कहते हैं ऑथर जो जिसने बुक ली, कहते हैं हादी ही कम अल खबरियतु, ये कम खबरिया है. कम खबरिया वो माना है, और इसका माना क्या है, कसीरुन बहुत. यानी आप जब कहते हैं कम मर्रतिन, इसका मतलब है बहुत मर्तबा आपने ऐसा कहा, बहुत मर्तबा. यानी फिर कहता है फमान अल जुमला, तो जुमले का माना, यानी ऊपर जो जुमला है इस जुमले का माना क्या होगा, कम मर्रतिन कुल तली हकजा, इसका माने होगा कुल तली हाकाजा, आपने मुझे ऐसा कहा मर्रातिन कसीरतन, बहुत सारी दफा, कई दफा आपने मुझे ऐसा कहा, बहुत बहुत बार आपने मुझे ऐसा कहा. ये बहाने आपने बहुत बनाए हैं. तो ये कम खबर ही है. क्या है ये, कम खबर ही है. हाँ, इससे पहले आपने कम एक बार पढ़ा है, वो भी आगे आएगा. तो मैं क्या नाम है उसी की तरफ जा रहा हूं. क्या बुक ये ऑथर जो है वो कह रहे हैं नज़कुर बाज़ अहकाम, यानी हम इस काम खबर के कुछ अहकाम यहाँ जिक्र करते हैं. कुछ अहकाम यानी हम आज काम को सीख रहे हैं, अच्छी तरह से ध्यान में रखिए अच्छी तरह से, ठीक है. चलिए तो आइए आप नंबर पहला पॉइंट जो है यहाँ सिखाने जा रहे हैं हमें, कहता है अरफ्त, आपने जाना अन्न के कम अल इस्तिफामियत, कि आपने इससे पहले कम इस्तिफामिया भी पढ़ी है ना. जी सर. जब आप एक सेंटेंस पढ़ा फॉर एग्जांपल कम तो आलिबन फील फर्स्ट क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ठीक है, वो कम इस्तिफाम यानी क्वेश्चन के लिए पूछ. हमें जब पूछना होता है हाउ मेनी या हाउ मच, तो हम कम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना. जी सर. तो कहता है अरफ्ता अन्न कम अल इस्तिफामिया, आपको आपने पढ़ा है कि कम इस्तिफामिया जो है तमीज़ुहा, उसकी तमीज़ क्या होती है, मनसूबुन, वो मनसूब होती है. हम कहते हैं कम तालिबन फिल फसल, या हम कहते हैं कम कलमन फी जैबिका, तुम्हारी जेब में कितने कलम है, या हम कहते हैं कम किताबन इंदका, जैसे यहाँ कम किताबन इंदका. तो काम की तमीज यहाँ किताब है, ये किताब मंसूब लिखा गया है. मैंने आपको कई बार वहां पढ़ा है काम की तमीज वाहिद होती है और मंसूब होती है, वाहिद होती है और मंसूब होती है, ठीक है, नकिरा होती है. यानी इसको इसके साथ इल्फाम नहीं लगता, आप नहीं कहेंगे कम अल किताबन या कम अल किताबा, नहीं कम किताबन, ठीक है. जैसे 11 से लेकर 99 तक आदत की तमीज होती है, काउकबन किताबन, हम कहते हैं अहदा अशरा काउकबन, 11 स्टार्स, अहदा अशरा काउकबन. काउकब सिंगुलर भी है और मनसूब भी है और नकिरा भी है, तीनों है ना. जी सर. क्या बात. तो ये तो कम इस्तेफामिया हो गया, लेकिन यहाँ ऑथर कह रहे हैं इसके बारे में, कहते हैं वायजूज, और ये भी जायज है, जर्रुहू, इसको जर देना, यानी यहाँ काम की तमीज जो है इसको कभी जर देना भी जायज है. कब, इजा जुर्रत कम, जब कम को
मजरूर बनाया जाता है कैसे, बिहरफी जरिन, किसी हरफी जर से, यानी जब कम से पहले कोई हरफी जर इस हरफी जर इस्तेमाल होता है, जैसे यहाँ मिसाल में दिखाया गया है बिकम, बी हरफी जर है ना बी, जी सर, तो बिकम कम तो मबनी है आला सुकून, लेकिन इसमें जेर जाहिर नहीं होगी, लेकिन हम कहेंगे ये इसको मजरूर है, ये फी हालत जर है, ये हालत फी 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 महल्ली जर, फी महल्ली जर, जर, शाबाश। तो जब जब कम को कम से पहले हर्फ जर इस्तेमाल हो गया होगा तो उस वक्त जायज है कि उसकी तमीज को हम जेर वाला भी लिख सकते हैं, मजरूर भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ बिकम रियालन हाजल कलम रियालन, यानी अपनी तरह जैसे ऊपर सिखाया गया, लेकिन कहता है ये भी जायज है, हम कहेंगे बिकम रियालिन हाजल कलमो, दो तरीके से यहाँ कहा जा सकता है। हाँ, यानी अगर आपने बा कम के साथ लगा दी, जब आपको क्वेश्चन पूछना है भाई ये कलम कितने, ये कलम कितने का है, आप कहते हैं बिकम रियालिन हाजल कलम, ये कलम कितने रियाल में है, ये कलम कितने रियाल में है ना, बिकम बिकम रियाल इन, ये बिकम रुबियतन, बिकम रुबियतन हाजल किताब, ये किताब कितने रुपए में है। तो आप उस वक्त अगर चाहें, आप जायज ये भी है कि आप उस वक्त कम की तमीज को मजरूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कहेंगे बिकम रियाल इन, बिकम रियाल इन, बिकम रियाल इन, बिकम रियाल इन हाजल कलम। तो ये कम इस्तेफामिया के बारे में आप आज आज आपके इल्म में एक और पॉइंट इजाफा हो गया कि जब कम से पहले हर्फ जर लगा हो तो हम कम की तमीज, यानी कम इस्तेफामिया की तमीज जो है, हम उसको मजरूर भी लिख सकते हैं, मजरूर भी पढ़ सकते हैं। ये एक पॉइंट याद रखिए। अब हमें कम खबरिया की तरफ जाना है। भाई कम खबरिया जो है, अम्मा तमीज कम अल खबरिया, कम खबरिया की तमीज के बारे में सुनिए, फयजिबु जरहु, तो वाजिब है उसको मजरूर बनाना, ये यहाँ जायज नहीं, जब अरबी ग्रामर में हम कहते हैं जायज है, दूसरी तरफ कहते हैं वाजिब है, जब जायज है मीन यू कैन डू इट, यू कैन यूज इट, अरब यूज इट बट दे यूज इट अदरवाइज, दे यूज इट इन डिफरेंट इन मतलब इन इन अदर देन दिस दिस केस, ओके okay? लेकिन जब हम कहते हैं वाजिब है यजीबो, तो इट मीन्स इट इज मैंडेटरी टू यूज इट दिस वे, वाजिब है ना, वाजिबी तौर उसको जर वाला बनाते, जर वाला पढ़ते हैं, किसको, तमीज कम इस्तेफामिया को, इस्तेफामिया की तमीज को, क्या कम, सॉरी कम खबरिया की तमीज को जर वाला वाजिब जर वाला ही लिखना होता है, जर वाला ही पढ़ना होता है, वो वाजिब है, जैसे नाहव कम नजमिन फिस्समाई, कितने इतने तारे हैं आसमान में, हैं यानी आप सरप्राइज, कम नजमिन फिस्समाई, इतने तारे हैं आसमान में, यानी आप यू वंडर, यू सरप्राइज है, हाउ मेनी स्टार्स देयर आर इन द स्काई, आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं बल्कि आप हैरान होकर सरप्राइज, आप सरप्राइज के अंदाज में आप कह रहे हैं, ठीक है, जी सर, समझ में आया पॉइंट, जी सर, शाबाश। फिर कहता है वकद युजर्रो, और इस कम कम खबरिया की तमीज को जर दी जाती है कभी कभी, किसे, बी मिन, मिन के जरिए से, यानी इससे पहले मिन इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एक आयत है नहु व कौलहु तआला, एक आयत है कुरान पाक में, कम मिन फियातिन, फियातिन जमा फियात मीन्स जमात ग्रुप्स, कलीलतिन छोटी छोटी, छोटी कितनी, कम मिन फियातिन कलीलत, कितनी ही छोटी जमातें, गलबत फियातन कसीरतन, बड़ी जमातों पर गालिब आ गई, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के इज़्न से, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ कम की तमीज है फियातन, लेकिन ये मिन की वजह से मजरूर हो गया, किसकी वजह से, हर्फ जर मिन की वजह से मजरूर हो गया, ये एक पॉइंट डिफरेंस याद रही आपको, जी सर, कम इस्तेफामिया की तमीज क्या होती है, मनसूब, और जायज है कभी कभी कि हम उसको क्या लिखें,
मजरूर मजरूर ये जायज है, मगर अक्सर क्या है, अक्सर वो है कि हम उसको मनसूब लिखते हैं, मन लेकिन कम कम खबर है कि तमीज वाजबी तौर पे क्या लिखनी पड़ेगी, मजरूर मजरूर लिखनी पड़ेगी। बहुत अच्छा, चाहे वो खुद बजाते खुद काम की वजह से हो या कभी उस तमीज से पहले मिन हर्फ जर आया हो तो उससे भी वो मजरूर बन जाता है। ये एक पॉइंट आप इसको नोट कीजिए। अब दूसरा पॉइंट क्या है, तमीज कम अल इस्तिफामिया, कम इस्तिफामिया की तमीज जो है वो मुफरद मुफरद होती है, यानी उसको सिंगुलर लिखना पड़ता है। मैंने सिखाया है ना, उसको क्या लिखना पड़ेगा, सिंगुलर सिंगुलर लिखना पड़ता है, वाहिद लिखना पड़ता है, वाहिद। अम्मा तमीज कम अल खबरिया, रही किसकी तमीज, कम खबरे की तमीज जो है फमुफरदुन, ये तो वाहिद होती है, अव मजमूउन या जमा होती है, यानी हम दोनों तरीके से लिखते हैं, यानी दो डिफरेंस हो गई ना। अब जी सर, काम इस्तेफामिया और काम खबरे के दरमियान ये दूसरी डिफरेंस है कि काम इस्तेफामिया की तमीज सिर्फ मुफरद लिखी जाती है और काम खबरे की तमीज मुफरद और जमा दोनों तरीके से लिखी जाती है। जैसे मिसाल इसने दिए ना, कम किताबिन करात, इतनी किताबें आपने पढ़ी, हाँ या हम सरप्राइज में, कितनी किताबें आपने पढ़ी, कम कुतुबिन करात, कम किताबिन सिंगुलर इस्तेमाल हो गया, कम कुतुबिन प्लूरल इस्तेमाल हो गया, ठीक है ना, कम कुतुबिन। लेकिन फिर ये ऑथर जो है डॉक्टर फा अब्दुल रहीम ये कहते हैं वल इफरादो अक्सरु व अबलगु, लेकिन सिंगुलर इस्तेमाल करना ज्यादा है, नहीं ज्यादा तर सिंगुलर इस्तेमाल होता है, वह अबलगु और ज्यादा बलीग है, ज्यादा बलीग है, ज्यादा बलागत का बलागत इसमें ज्यादा यही है, बलागत उसी में ज्यादा है कि आप इसको सिंगुलर ही इस्तेमाल करें, ठीक है। चलिए, जी सर, तो ये समझ लिए आप, दो पॉइंट थे यहां। अब आइए यहां, कम दो है, कम इस्तेफामिया और कम अल खबरिया, तो कम अल इस्तेफामिया जो है इसकी एक मिसाल है, कम किताब इंदक, आपके पास कितनी किताब है, सिंपल। इस काम की तमीज जो है वाहिद होती है, मंसूब होती है, और क्या और नाकिरा होती है। अब काम खबरिया जो है इसकी इसकी तमीज जो है ये भी वाहिद वगैरह वाहिद भी होगी, जमा भी हो सकती है, और ये मजरूर होती है, काम किता बिन इंदक, आपके पास कितनी किताब है, या कभी मिन लगेगा इसके साथ, मिन आप कहते हैं काम मिन किताब इन इंदक, आपके पास इतनी किताब है, सरप्राइज में कितनी किताब है। नंबर तीन, कम कुतुबिन इंदक, आपके पास कितनी किताब है, यहाँ प्लूरल में लिखा इसने, कम कुतुबिन इंदक, ये क्लियर हो गया, क्लियर जी सर, हो गया। अब एक पॉइंट और सीखिए, वो है जब आप कम अल इस्तिफामिया लिखेंगे तो उसके बाद सेंटेंस के लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे, लेकिन जब आप कम अल खबरिया लिखेंगे तो उसके आखिर में ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है ना, जी सर, इसको याद रखिए, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसको याद रखिए, ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, इसको याद रखिए, कहीं आप ये इधर और वो उधर नहीं डालेंगे तो उससे मतलब होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपने कम खबरिया इस्तेमाल किया या कम इस्तेफामिया इस्तेमाल किया। किया चलिए, अब छोटे छोटे कुछ दो तीन सवाल है। हविल कम अल इस्तेफामिया, ये कह रहा है मैंने यहाँ कम इस्तेफामिया इस्तेमाल किया है, फिर इनको आप कम खबरिया बनाइए। जैसे पहला सेंटेंस, कम रियालन आतैतनी, आपने मुझे कितनी रियाल दिए, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने हाउ मेनी रियाल्स डिड यू गिव मी, आपने मुझे कितनी रियाल दिए। लेकिन जब हम इसको कम खबरिया बनाएंगे तो रियालन बनेगा रियालिन, कम रियालिन आतैतनी, तुमने मुझे इतनी रियाल दे दिए, कम रियालिन आतैतनी, आप समझ रहे हैं ना, जी सर, आज जी आवाज आवाज नहीं आ रही आज सभी लोगों से, पता नहीं खामोश है सब लोग। नंबर टू, कम तालिबन गाबल याउमा, कम कम तालिबन गाबल याउमा, क्या याओ बनेगा,
जरा इसको काम को ट्रांसलेट किए, चेंज करो खबरिया में। काम तो अली बिन गाबल यौमा। बहुत अच्छा, काम तो अली बिन गाबल यौमा। तीसरा सेंटेंस जल्दी जल्दी। कम साअतिन निमता। हाँ, अगर हम किससे पूछे, किससे सिंपली पूछते हैं आप कितने घंटे सो गए, सवाल करेंगे तो हम पूछेंगे कम साअतिन निमता, आप कितने घंटे सो गए। लेकिन अगर हम पूछते हैं इते बला शुम खोचो, कम साअतिन निमता, इतना सो गए आप, कितने घंटे आप सो गए, कोई 5-8 घंटे सो गए, 10 घंटे सो गए, कम साअतिन निमता, आप इतने घंटे सो गए, इतने घंटे। अब यहाँ उल्टा है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ विल कम अल खबरिया, मैंने कम खबरिया इस्तेमाल किया है। यहाँ मैं पीछे में एक ये भूल गया एक पॉइंट, कि जब आप कम रियालन आता इतनी को कम रियालिन आता इतनी बनाएंगे तो ये नोट ऑफ इंटरोगेशन चेंज हो जाएगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन में। इसको याद रखिए, मैं तो भूल ही गया। नंबर 2, अब इसको कम खबरिया को यहाँ कम इस्तेफामिया में चेंज करना है। कम बाबिन लिल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम के इतने दरवाजे हैं, कितने दरवाजे, कम बाबिन लिल मस्जिद अल हराम। जब हम इसको सवाल सिंपल सवाल बनाएंगे तो हम कहेंगे कम बाबिन लिल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम के कितने दरवाजे हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आप मस्जिद, आप मदीना गए हैं क्या, आप मक्का गए हैं, तो मैं आप वापस आ गए तो मैं कह रहा हूँ मस्जिद हराम के कितने दरवाजे हैं, एक सिंपल सवाल, कम बाबिन लिल मस्जिद अल हराम। तो जब ऐसा सेंटेंस बनाएंगे तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन चेंज हो जाएगा नोट ऑफ इंट्रोगेशन में, कम बाबन लिल मस्जिद अल हराम। नंबर 2 पढ़िए, कम मिन मस्जिद फी हाजिह अल मदीना अस सगीरा। शाबाश, कम मस्जिदन फी हाजिह अल मदीना अस सगीरा। बहुत अच्छा, तो मिन ड्रॉप हो जाएगा, कम मस्जिदन फी हाजिह अल मदीना, यहाँ किताब पर मदीना अस सगीरा, यहाँ स्क्रीन पर सिर्फ मदीना है, कम मस्जिदन फी हाजिह अल मदीना, इस मस्जिद में, इस मदीना, इस शहर में कितनी मस्जिदें हैं। नंबर 3, कम दवाइन ततनावालो, आप कितनी दवाएं खाते हैं। किसी के पास बहुत दवाएं होती है ना, टेबलेट भी रखी हुई है, सिरप भी है और बहुत और भी चीजें हैं, तो आप उसे कहते हैं आप कितनी ज्यादा दवाएं खाते हैं। तो यहाँ जब आप इसको बनाएंगे सवाल में, ट्रांसलेट किए करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या बनेगा, कम दवा अन ततनावलो, ततनावलो मीन्स टू टेक, टू ईट वगैरह है, ततनावलो تناولاً من باب تفاعل يتفاعل تفاعلاً ठीक है ना, تناول يتناول تناول شباش। फिर कहता है डॉक्टर साहब, कहते हैं उस्ताद अब्दुल रहीम साहब, ينبه المدرس الطلاب علي, टीचर बच्चों को दो चीजों की तरफ मुतवजा करेगा, इन दोनों की मैंने एक ही बात तो मैंने बता दी कि अलामत तरकीम अल खासा, अलामत तरकीम कहते हैं पंक्चुएशन मार्क, इसको नोट कर कीजिए, علامت ترکیب means punctuation mark mark। हाँ, الخاصة بكل منا, यानि अगर नोट जुमला इस्तेफामी है तो नोट ऑफ इंटरोगेशन लगेगा, अगर जुमला ये है क्या नाम है कम खबरिया इस्तेमाल हुआ तो क्या लगेगा, हाँ खबरिया है तो नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। दूसरी चीज जो यहाँ बताना चाहता है वो उसने पहले लिखी है तो मैं उसको दूसरी बना रहा हूँ, التنجيم الخاص بكل من كمال استفهام وكمال خبريه, يعني جب تنغيم مينز نغمه انٹونیشن ٹون, اپ جب کم خبریہ کہیں گے اور کم استفہامیہ پڑھیں گے, کم استفہامیہ پڑھیں گے یا کم خبریہ, ان دونوں کا ٹون الگ الگ ہونا چاہیے, یعنی جب اپ کم استفہامیہ پڑھتے ہیں تو اپ اس وقت سمپل سوال کریں گے کم طالبا فی الفصل کلاس روم میں کہتے ہیں, لیکن جب اپ کہتے ہیں کہ ارے یار طالب کتنے لوگ یہ کلاس روم میں کتنے طالب علم ہیں اتنے, تو یعنی اپ exclamation کے انداز میں, surprise کے انداز, تو آپ کہتے ہیں کم طالبین فی الفصل, تو ذرا اس کے ٹون میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے, یہ نہیں لگنا چاہیے کہ جب آپ اس کو بولیں, چونکہ یہاں اس لیے ہے یہ امپورٹینٹ, یہاں تو یہاں کل ہو سکتا ہے آپ عرب میں جائیں, وہاں آپ کو یہ صرف لکھنا نہیں ہے, آپ کو بولنا ہے عربی میں, आप किसी को फोन पर बोलते हैं, आप किसी को दुकानदार को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कितनी किताबें हैं, कम किताब,
आप उसको नहीं कहेंगे कम किताब इंदक, तो वो हैरान हो जाएगा यार ये मेरी किताब उनको देखे बगैर ही जो है सरप्राइज हो रहा है। ठीक है, तो इसके इसके पढ़ने का तरीका जरा अलग अलग है, उसको ध्यान में रखिए। ये क्लियर हो गया कम? जी सर। शाबाश जी सर, बहुत अच्छा। तो आगे हम जाएंगे, अब एक और पॉइंट है, हत्ता यहाँ सीखना है। हत्ता क्या सीखना है? हत्ता, हत्ता। हाँ, असल में एक सेंटेंस आया था यहाँ लेसन में, फदकल तो हत्ता ला अशगला का। ठीक, इस तक हम पहुंचेंगे, लेकिन पहले ऊपर की लाइन पढ़ेंगे। मन जा अमुताखिरन, जो लेट आ जाए, फला यद खुल, बस वो दाखिल ना हो जाए, फला यद खुल, तो वो दाखिल ना हो जाए, हत्ता यस्ताअज़िन, यस्ताअज़िना, यहाँ तक कि वो इजाजत मांगे, हत्ता यस्ताअज़िना, यहाँ तक कि वो इजाजत मांगे। फिर कहता है हुना, यहाँ पे हत्ता, हत्ता जो है बिमाना इला, ये इला के माना में है, यानी मन जा मुताखिरन, जो लेट आएगा, जो लेट आ जाए, फला यदखुल, तो उसे दाखिल ना हो जाए, हत्ता यहाँ यहाँ तक कि यस्ताअज़िना, वो इजाजत ले, हत्ता यहाँ मुराद है इला, इला अन यस्ताअज़िना, यहाँ तक कि, आप उर्दू में लिखो यहाँ एक माने हत्ता का क्या है, यहाँ तक कि, यहाँ तक कि वो क्या यस्ताअज़िना इजाजत मांगे, एक माने हत्ता के। ठीक है ना? जी सर। दूसरा दूसरा, फदखल तो मैं दाखिल हो गया, हत्ता ला अशगलका, ताकि मैं आपको ये ना करूं, क्या ये क्या नाम है, मशगूल ना करूं। असल में मुदरिस जो है वो कुछ कर रहा था, तो नुमान दाखिल हो गया था, मेरे पास एक बुक है, मैंने पेज नंबर 118 खोल दिया इसका, यानी लेसन इसका किसी कन्वर्सेशन खोल, नुमान ने कहा, नुमान जो है इसके इसने ये वो बिला इजाजत क्लास में दाखिल हो गया, तो उस्ताद ने कहा मन जा मुताखिरन फला यदखुल हत्ता यस्ताअज़िन, तो नुमान ने जवाब दिया अना आसिफुन सर, आई एम सॉरी, रायतुका मशगूलन, मैंने आपको देखा कि आप मशगूल थे, फदखल तो मैं दाखिल हो गया, हत्ता ला अशगलका, ताकि मैं आपको मशगूल ना करूँ या मैं आपको डिस्ट्रैक्ट ना करूँ, हत्ता ला अशगला, यानी आप जिसमें मशगूल है मैं उससे आपकी तवज्जो हटाकर अपनी तरफ ना आपको मशगूल कर दूं। मैंने उस वक्त ट्रांसलेशन किया था हत्ता ला अशगला का, सो दैट आई मे नॉट डिस्ट्रैक्ट यू, आई माइट नॉट डिस्ट्रैक्ट यू, सो दैट आई माइट नॉट डिस्ट्रैक्ट। ठीक है ना? फदा कल तो हत्ता ला, कहते हैं हुना, हत्ता हत्ता जो यहाँ है ये बिमाना लाम तालील है, ये लाम तालील के माने में यहाँ है। असल में वो कत्र नदा वाले ने लिखा है कि हत्ता जो है कभी काई के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब लिखते हैं लाम तालील, लेकिन मैं दोनों को मां समझता हूँ, लिखा इला, ठीक है, हत्ता ला अशगला का लाम तालील कहते हैं जब आप कोई एक्शन करते हैं, फिर आप कहते हैं कि मैंने पीछे जो एक्शन की वो इस वजह से मैंने की थी। फॉर एग्जाम्पल आप एक मिसाल लिख सकते हैं, जलस्तु ली अस्तरीहा, ली अस्तरीहा इसका माने है मैं बैठ गया ताकि मैं कुछ आराम करूं, ताकि मैं कुछ आराम करूं, जलस्तु लिअस्तरीहा, ताकि मैं कुछ आराम करूं। ओके जी सर। शाबाश, यानी मैं इसलिए बैठ गया ताकि मैं आराम करूं, यानी मेरी दूसरी एक्शन आराम करने की एक्शन जो है उसकी वजह मेरी पहली एक्शन है, या ये कहूंगा मैं मेरी पहली एक्शन जो है मैंने पहली एक्शन इसलिए की ताकि मुझे दूसरी एक्शन करने का वो मौका मिले।
आप समझ रहे हैं ना, इसको लाम तालील बोलते हैं। जैसे आप वसीम ने कोई गलती की तो मैं इसको कह रहा हूं आपने ऐसा क्यों किया, ये कहता है मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये ना होता या ताकि ये होता। जब आप ये ताकि ये ना होता है इसको कहते हैं लाम तालील। ठीक है, इसको आप इसको हम इंशाल्लाह कभी अलग पढ़ेंगे। बहरहाल तो हत्ता का एक और माने है लिकाई, हम दोनों माने कहेंगे लिकाई ताकि, लिकाई मीन्स ताकि, लिकाई ला ताकि नहीं अशगला का मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करूं, लिकाई ला अशगला का ताकि मैं आपको डिस्ट्रैक्ट ना करूं। जी सर। लिखा आपने? जी शाबाश, जल्दी करो जल्दी करो, हमारे पास 9 मिनट बचे हैं। शाबाश, चलिए तो फिर कहते हैं वयकून الفعل المضارع, और फ़ेल मुजारा होता है क्या बादहा, इसके बाद यानी हत्ता के बाद, मनसूबन मनसूब होता है बी अन, अन की वजह से, मुजमरतन जो पोशीदा होती है, वजूबन वाजबी तो, यानी हम हत्ता के बाद अन इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको हम पोशीदा रखते हैं, छुपा छुपा के रखते हैं, तो ऐसे ही कहते हैं हत्ता यस्ताज़िना, असल में होना चाहिए था हत्ता अन यस्ताज़िना, यहां तक कि वो हत्ता अन, लेकिन अन को हम हत्ता के बाद नहीं लिखते हैं, हम इसको मुजमर करते हैं, पोशीदा रखते हैं, छुपा के रखते हैं, वाजबी तौर पर उसको वाजबी तौर पर छुपाना पड़ता है। इसी तरह आप कुरान में पढ़ते हैं हत्ता ताअतिया हुमुल बय्यना, हत्ता ताअतिया हुमुल बय्यना, ठीक है जी सर, हत्ता ताअतिया हुमुल बय्यना। जी सर, शाबाश। अब इस हत्ता के दो माने हमने पढ़े, एक इला और दूसरा लिकाई, ठीक है। अब इन 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 पार्ट्स में आप देखिए, ये सेंटेंसेस पढ़िए और बताइए कहाँ पे हत्ता किस माने में इस्तेमाल हुआ है। जैसे मैं पहला पहला इसका पार्ट पढ़ता हूँ, अजतहिदु मैं मेहनत करता हूँ, लैला नहारा दिन रात, हत्ता हत्ता तो किस माने में होगा, ताकि ताकि, हाँ लिखाई हत्ता अंजहा ताकि मैं कामयाब हो जाऊं, बितकदीर मुमताजिन डिस्टिंक्शन से। तो हम यहाँ हत्ता किस माने में कहेंगे, लिखाई के माने में, किस माने में, लिखाई के माने में। शाबाश। नंबर टू, इंतजिर जरा वेट करो, हत्ता यहां तक की, यानी इला अन, यहां इला के माने में, हत्ता इला अतवज़ा यहां तक मैं वजू करूं, अरे यार थोड़ा वेट करो जरा मैं यहां तक मैं वजू करूं, इंतजिर हत्ता अतवज़ा अतवज़ा तवज़ा या तवज़ा वजू करना, हत्ता अतवज़ा यहां तक कि मैं वजू करूं करूं यहां तक कि मैं वजू करूं। समझ आ रहा है ना? जी सर। चलिए अब तीसरा पार्ट देखिए, कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम, आप में से मोमिन नहीं, कोई मोमिन नहीं है, हत्ता यहां तक कि, वो इलाअन है, इलाअन इला के माने, हत्ता युहिब लि अखीहि, ताकि वो अपने भाई के, यहाँ तक कि वो अपने भाई के लिए पसंद करे, मा युहिब्बु लिनफ्सिही, जो वो अपने लिए ना पसंद करता है। तो हत्ता यहाँ किस माने में है, इलान इला। नंबर चार, वकाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक और हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम, ऐसे कोई मोमिन नहीं है, हत्ता यहाँ तक के, यहाँ तक इला के माने में, बहुत अच्छा, अकूना अहब्बा इलैहि, यहाँ तक कि मैं उसको महबूब हूँ, वो मुझे पसंद करता हो, मिन वालिदिही व वलदिही व नासि अजमईन, अपने वालिद से यानी अपने वालिदैन से, व वलदी अपने बच्चों से, व नासि अजमईन तमाम लोगों से, तब तक वो मोमिन, उसके ईमान में खामी रहेगी, ठीक है।
पांचवा पार्ट देखिए, खरज तो मिनल बैत, मैं घर से निकला, मुबक्किरन सवेरे, हत्ता ताके, ला अतअक्खर अनिल मौइद, मैं अपॉइंटेड टाइम से जो है मैं पीछे ना रहूं, मैं लेट ना आऊं, हत्ता यहां मुराद है लिकाई, लिकाई ला अतअक्खर अनिल मौइद, ताकि मैं मौइद मीनस जो है अपॉइंटेड टाइम है अपॉइंटमेंट से लेट ना हो जाऊं। नंबर सिक्स, قال المدير, مدير نے کہا لطالب स्टूडेंट से, लन अस्मह लक बिलहुजूर, मैं आपको प्रेजेंट होने की दावत ये इजाजत नहीं दूंगा, आने की इजाजत नहीं दूंगा, हत्ता यहां तक, हाँ बहुत अच्छा, इला के माने में, इला अंत ताजरा, यहां तक कि तू माजरत करेगा, इलाल मुदरिस टीचर को, एज लॉन्ग एज एंड अंटिल यू यू अपोलोजाइज टू द टीचर, आप यहां तक अपोलोजी ना करें तब तक मैं आपको आने की इजाजत, अंदर आने की इजाजत नहीं दूंगा, ठीक है जी सर। अब यहाँ क्वेश्चन टू इसी के साथ जो है ये रिलेवेंट है, हमारे पास अभी कुछ मिनट है, ये कहते हैं जरा मिसाल देखिए, इंतजिर हत्ता अतवज्जा, इंतजिर जरा रुको यार, हत्ता यहाँ तक कि अतवज्जा, मैं वजू करो, हत्ता अतवज्जा, मैं वजू करो, इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए, इंतजिर हत्ता अलबसा, अलबसा लेट करो यहाँ तक मैं कपड़े पहन लूं, अलबसा, दूसरा है इंतजिर हत्ता अशरबिल कहवाता, अशरबल कहवाता, यहाँ तक मैं कॉफी पी लूं, जरा वेट करो यहाँ तक मैं कॉफी पी लूं, ये बहुत ही अच्छे सेंटेंस, इनको याद कीजिए एक एक को, फिर तीसरा इंतजिर हत्ता नस्मा अल अखबार, नस्मा अल अखबार, हत्ता नस्मा अल अखबार, यहाँ तक कि हम जो है खबरों को क्या कर, एक खबर को न्यूज को सुन सके, इसी तरह इंतजिर हत्ता अक्टूबर रिसालता, मैं चिट्ठी लिखूं, यहाँ तक कि मैं चिट्ठी लिखूं, एप्लीकेशन लिखूं, फिर है यऊदून, क्या बनेगा इंतजिर हत्ता शबाश, यऊदूना का नून गिरेगा, सिंपल, इंतजिर हत्ता यऊदू, वेट करो जब तक वो वापस आ जाए, इंतजिर हत्ता यऊदू, Mm-hmm.